नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रतापगढ़ जिले के अरनौत से है, जहां निकटवर्ती एक ग्राम कन्नाड़ में 67वीं प्रतापगढ़ जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय 14 वर्ष खो खो कबड्डी छात्र छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का समापन अरनौत के पूर्व प्रधान व जिला परिषद सदस्य सुमन मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। वहीं समारोह की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष बालूराम डांगी ने की। वहीं समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भरत कुमार व्यास, लालगढ़ सरपंच उदयलाल मीणा, मंडल महामंत्री मुन्नालाल डांगी, मुकेश पाटीदार, संजय साह, जिला उपाध्यक्ष जसपाल अंजाना, जिला मंत्री गणपत धनगर, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष ईश्वरलाल मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश कुमावत, एसटी मंडल अध्यक्ष अमृतलाल मीणा, सामलगढ़ सरपंच प्रकाश मीणा, अरनौत सरपंच संगीता राणा, अवलेश्वर सरपंच फतेहगढ़ सरपंच भैरूलाल मीणा, जांजली सरपंच प्रतिनिधि चैनराम मीणा, अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष हीरालाल कटारा, ब्लॉक अध्यक्ष शंकरलाल मीणा, टूर्नामेंट के मुख्य निर्णायक कन्हैयालाल, सह निर्णायक अशोक कुमार मीणा, सेवा मीणा, लालगढ़ प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह सोनग्रा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने जीते हुए खिलाड़ियों को पारितोषित वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टूर्नामेंट के मुख्य निर्णायक कन्हैयालाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस टूर्नामेंट में 75 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें 900 छात्र छात्राएं शामिल थे। कार्यक्रम का आभार प्रधानाचार्य ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन कन्हैयालाल मीणा द्वारा किया गया। अरनौत से पवन धाकड़ की विशेष रिपोर्ट।